वक्त हमसे बात करने के लिए जमुई से विधायक सुरेशी मैम मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से सरकार में बदलाव हुआ, सरकार तो वही है, विपक्ष में बदलाव हुआ है, तो क्या लगता है इस बार आपको कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है, खेल का मिलने वाला है या फिर क्योंकि खेल से? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार होने में अभी समय है, अभी उसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से दोहरा रही हूँ अपने आप को, कि शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा वही निर्णय सबके लिए सर्वप्रिय होगा, सर्वप्रथम होगा। खेल से बहुत लगाव है आपको और बिहार में लड़कियों के लिए? भाई देखिए, डेफिनेटली हम खेल के फील्ड से आते तो खेल से लगाव तो होगा ही, खेल कूद को, खिलाड़ियों को बिहार में आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। क्या लड़कियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्या कमी है जिस चीज़ को आपने फेस किया? देखिए, सबसे पहले कमी लड़के लड़की की बात नहीं है, सबसे पहले कमी अगर मैं ढूंढूंगी बिहार में खिलाड़ी होने के नाते, तो वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है या इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन्ड नहीं है। इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना अति आवश्यक है। और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ एनडीए की सरकार से कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होगा और बिहार में नए स्टेडियम्स का, नए स्पोर्ट्स का भवन निर्माण कार्य। देश भर में किरकिरी हुआ था मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर, क्या उसमें कुछ अलग करवाना है? देखिए, उसका तो काम चल रहा है अभी, वो अंडर उसको एक नए तरीके से उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो निर्माण कार्य ईमानदारी से होगा और अच्छे से होगा। डबल इंजन की सरकार बनी है तो जल्दी में बन जाएगा इस सेशन में? निश्चित रूप से। देखिए, डबल इंजन की सरकार का कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए, और जहाँ भी आपने डबल इंजन की सरकार देखी है, चाहे वो बगल में उत्तर प्रदेश में हो या अन्य किसी राज्य में हो, तो आप देखिए किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है, विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। मैम, एक आखिरी सवाल हमारा, पिछली बार जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में हमने आपसे सवाल किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए काफ़ी गुस्सा था, नाराज़गी थी आपके, क्या वो नाराज़गी अब दूर हुई? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग सरकार में हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के माननीय हैं, और ऐसी कोई नाराज़गी नहीं थी। पक्ष विपक्ष का एक मुद्दा होता है जिसको उठाना आवश्यक होता है। हम लोग हमेशा जनता की आवाज़ को लेकर खड़े होते हैं, जनता की आवाज़ आज भी बिहार विधानसभा में हमने उठाई है, तो बात पक्ष या विपक्ष की नहीं है। विधानसभा में जब सवाल उठाना होता है, जनता के हित की लड़ाई लड़नी होती है, तो हम जनता के साथ खड़े हैं। तो देखिए, जनता के साथ खड़ी है, और नाराज़गी पिछले शीतकालीन सत्र में काफ़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गुस्से में थी, लेकिन इस बार नाराज़गी दूर होने की बात पर भी खुलकर बातों को रखा है। ये नाराज़गी नहीं थी, पक्ष विपक्ष में होने के बाद जिस तरीके बयानबाजी होता है वो करना होता है, लेकिन बिहार में खेल में क्या सुधार होना चाहिए और इस बार क्या उनको खेल का मंत्रालय मिलना है, उस पर भी खुलकर अपनी बातों को रखा है। तो बने रहे कशिश के साथ, पटना संकेत की रिपोर्ट।